मोटो एस 50 वर्सेस मोटो एस 50 न्यू, तो दोनों में ही काफ़ी हमें सिमिलर स्पेक देखने को मिल जाते हैं, पर इन दोनों के प्राइस में हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है। दोनों ही एक वेरिएंट में देखने को मिल जाएंगे 8+256 GB। यहाँ पे जो मोटो एस 50 न्यू है उसका प्राइस हमें 24 के देखने को मिल जाता है, वहीं पे जो मोटो एस 50 है उसका प्राइस हमें 28 के देखने को मिल जाता है। मतलब यहाँ पे 4000 का हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है इन दोनों के प्राइस में। क्या आपको 4000 अधिक देके मोटो एस 50 लेना चाहिए या 4000 बचा के आपको मोटो एस 50 न्यू लेना चाहिए? दोनों को ही साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे हम और देखेंगे दोनों में से कौन आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के डिजाइन से। दोनों के ही जो बैक है उसमें काफी सिमिलर डिजाइन हमें देखने को मिल जाता है। तब एक जो कैमरा लेआउट है और बैक में वेगन लेदर है, दोनों ही काफी सिमिलर देखने को मिलता है। पर यहाँ पे आगे से देखने पे हमें दोनों में ही डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जो मोटो एस 50 है उसमें हमें कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, वहीं पे मोटो एस 50 न्यू में हमें एक फ्लैट स्क्रीन देखने को मिल जाता है। बात करें इन दोनों के कलर की, तो यहाँ पे 3 कलर में देखने को मिल जाएगा। जो मोटो एस 50 है और जो मोटो एस 50 न्यू है वो हमें 4 कलर में देखने को मिल जाएगा। बात करें इन दोनों को वेट के, यहाँ पे मोटो एस 50 हमें 180 ग्राम के आसपास वेट करता है क्योंकि थोड़ा बड़ा साइज होता है, मतलब नॉर्मल साइज है। और वहीं पे जो मोटो एस 50 न्यू है उसका वेट करीबन 171 ग्राम के आसपास आता है। वहीं पे अगर देखे इन दोनों के थिकनेस की, तो मोटो एस 50 न्यू हमें 8.1 mm देखने को मिल जाता है और वहीं पे जो मोटो एस 50 है उसका थिकनेस हमें 7.79 mm देखने को मिल जाता है। बात करें आईपी रेटिंग की, तो यहाँ पे दोनों ही IP68 के साथ आते हैं और दोनों में ही हमें मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। अगर बात करें दोनों के डिस्प्ले की, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। बात करें मोटो एस 50 न्यू के डिस्प्ले की, तो यहाँ पे 6.4 इंचेस का 1.5K LTPO AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाता है 120Hz का, जिसका पीक ब्राइटनेस हमें 3000 निट्स का देखने को मिल जाता है और ये भी HDR10+ सपोर्ट करता है। और वहीं पे जो मोटो एस 50 है उसमें हमें 6.67 इंचेस का 1.5K 120Hz का AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाता है। इसमें भी HDR10 सपोर्ट करता है, पर यहाँ पे जो ब्राइटनेस वो हमें 1600 निट्स का देखने को मिल जाता है। हाँ, पर यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली एज हमें मोटो एस 50 न्यू की तरह देखने को मिल जाएगा क्योंकि उसमें LTPO AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाता है जो बैटरी काफ़ी सेव कर देता है हमें। पर यहाँ पे अगर बैटरी की बात करें, तो मोटोरोला एस 50 में हमें अधिक कैपेसिटी वाला बैटरी देखने को मिल जाता है, 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। वहीं पे मोटो एस 50 न्यू में हमें 4310 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। दोनों में 68 वाट का चार्जिंग देखने को मिल जाता है विथ 15 वाट वायरलेस चार्जिंग। और वहीं पे दोनों पे ही हमें स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है, दोनों में ही डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, दोनों में ही 3 माइक्रोफोन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। मतलब यहाँ पे आपको अगर वॉइस क्वालिटी अगर सामने वालों को देना है तो वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, मतलब जो नॉइस कैंसिलेशन है वो काफ़ी अच्छा वर्क करेगा इन दोनों ही फोन्स में। अगर बात करें इन दोनों के मेन प्रोसेसर की, तो दोनों में ही स्लाइटली डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल जाएगा हमें मोटो एस 50 में एज कम्पेयर टू मोटो एस 50 न्यू। यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 7 Gen 1 एक्सेलरेटेड एडिशन, इसका एंड्रॉइड स्कोर 7 लाख के ऊपर आता है। और वहीं पे जो मोटो एस 50 न्यू है उसमें हमें देखने को मिल जाता है रेडटेक डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर, इसका एंड्रॉइड स्कोर 6,50,000 के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। मतलब थोड़ा सा एज हमें मोटो एस 50 की तरफ देखने को मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। और आपको थोड़ा गेमिंग भी करना है, मतलब गेमिंग के लिए तो कॉर्ड डिस्प्ले नहीं होता, पर हाँ थोड़ा सा आपको अगर कैजुअल गेमिंग करना है तो वो थोड़ा अच्छा आपको करा सकता है। दोनों पे LPDDR4X रैम देखने को मिल जाएगा और UFS 2.2। बात करें इन दोनों के कनेक्टिविटी की, तो दोनों में 16 5G बैंड देखने को मिल जाएंगे, दोनों में ही वाईफाई 6, दोनों में ब्लूटूथ 5.4 और दोनों में NFC सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे काफ़ी सिमिलर स्पेक्स हमें कनेक्टिविटी में देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पे कैमरा की बात करें, तो दोनों में ही हमें सिमिलर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि है 50 MP का लिटिया 700C सेंसर के साथ 13 MP का अल्ट्रा वाइड और 10 MP का टेलीफोटो कैमरा विथ 3x ऑप्टिकल जूम। दोनों से ही आप 4K 30fps पे शूट कर सकते हो रियर कैमरा से। फ्रंट कैमरा की बात करें, तो 32 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, जिससे आप 4K 30fps पे दोनों से ही शूट कर सकते हैं। तो दोनों में ही काफी सिमिलरिटीज हमको देखने को मिल जाता है कैमरा के टर्म्स में। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल कंक्लूजन देखे, मतलब डिफरेंस निकाला दोनों में क्या सिमिलर है और क्या अलग है, तो यहाँ पे सिमिलरिटीज देखे, तो यहाँ पे दोनों में 1.5K रेजोल्यूशन और डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। पर डिफरेंस देखें, तो यहाँ पे स्क्रीन साइज हमें जो मोटो एस 50 है उसका रेगुलर साइज का देखने को मिल जाता है 6.67 इंचेस का, और वहीं पे 6.4 इंचेस का आपको मोटो एस 50 न्यू देखने को मिल जाएगा। हाँ, आपका यहाँ पर्सनल प्रेफरेंस हो सकता है अगर आप स्क्रीन साइज को लेकर देख रहे हो फोन। तो वहीं पे अगर डिफरेंस देखें बैटरी में भी, तो मोटो एस 50 यहाँ पे अच्छा देखने को मिल जाएगा, 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा। हाँ, पर यहाँ पे अगर बैटरी बैकअप के बारे में बात करें, तो दोनों का ही आपको करीबन सिमिलर बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है।
मोटो एस 50 में थोड़ा बैटरी ड्रेन इशू आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब शॉर्ट यहाँ पे देखिए आपको अगर बैटरी बैकअप वन डे दोनों में ही आपको चल जाएगा। अगर वहीं पर इन दोनों कैमरा सेटअप की बात करें तो यहाँ पे आपको डिटो कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, दोनों ही सिमिलर सेटअप देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर इन दोनों के डिजाइन के बारे में बात करें तो दोनों में ही हमें वेगन लेदर देखने को मिल जाएगा, IP68 रेटिंग के साथ आता है दोनों ही। आप बैक से देख रहे हो तो दोनों में हमें सिमिलर डिजाइन देखने को मिल जाएगा, सिर्फ फ्रंट से आपको देखने पे पता चलेगा कौन मोटो S50 है और कौन मोटो S50 न्यू है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है इन दोनों के डिस्प्ले में। यहाँ कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा मोटो S50 में, वहीं पे फ्लाइट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा मोटो S50 न्यू में। तो क्या आपको 4000 अधिक दे के मोटो S50 लेना चाहिए और क्या आपको 4000 लेस दे के मोटो S50 न्यू लेना चाहिए? तो आपको पर्सनल चॉइस हो जाता है कि आपको एक छोटा फ़ोन चाहिए और या आपको एक नॉर्मल साइज का फ़ोन चाहिए। हाँ, अगर आपको बैटरी से कोई दिक्कत नहीं है तो आप मोटो S50 न्यू के तरफ जा सकते हो, क्योंकि सारा चीज़ आपको यहाँ पे सिमिलर देखने को मिल जाएगा, कैमरा से लेके प्रोसेसर थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल जाएगा मोटो S50 में हमें, पर इतना खास ज़्यादा फर्क नहीं है प्रोसेसर में भी, दोनों का ही काफ़ी सिमिलर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो ये था दोनों का ही कंपेरिजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।